स्टडी स्टार्ट। दी अपीलेंट्स वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शंस 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज 7 ईयर्स अंडर सेक्शन 364 IPC एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स अंडर सेक्शन 201 IPC स्टॉप दियर कन्विक्शन एंड सेंटेंस वॉज अपहेल्ड बाई दी उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टॉपरा हसीन एजेड अबाउट 7 ईयर्स वॉज द सन ऑफ विसारत PW1 अ रेजिडेंट ऑफ विलेज अकबरपुर स्टॉप ही वेंट मिसिंग ऑन 8/10/1999 स्टॉप ऑन 10/10/1999 एट अबाउट 16:30 दी डेड बॉडी ऑफ हसीन वॉज फाउंड इन द शुगर केन फील्ड ऑफ याकूब इन विलेज नारायणपुर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अकबरपुर हसीन्स विलेज स्टॉप इन्फॉर्मेशन वॉज सेंट टू द पुलिस स्टेशन मंगलोर स्टॉप इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स वर हेल्ड बाई ASI डालचंद PW6 स्टॉप द पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड ऑन 11/10/1999 एंड डॉक्टर AK जैन PW9 स्टॉप अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट डेथ हैड ऑकर्ड अबाउट 2 days बिफोर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन स्टॉपरा PW1 विसारत मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन 19/11/1999 स्टॉप बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज रिकॉर्डेड ऑन 21/11/1999 स्टॉप इन द FIR द इन्फॉर्मेंट एलेज्ड दैट हिज सन हसीन वॉज मिसिंग सिंस 3 PM ऑन 8/10/1999 एंड दैट डिस्पाइट सर्च ही कुड नॉट बी फाउंड स्टॉप ही वेंट टू PS मंगलोर ऑन 10/10/1999 ऑन द डेड हसीन्स बॉडी वॉज फाउंड स्टॉप ही ऑल्सो नरेटेड अबाउट द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑन 11/10/1999 स्टॉप PW1 स्टेटेड दैट ही वॉज बिजी इन मेकिंग इंक्वायरीज स्टॉपरा ही वॉज टोल्ड बाई सईद अहमद PW3 एंड मुराद अली PW2 दैट दे हैड सीन A3 हसन जहां टेकिंग डिसीज्ड बॉय हसीन इनटू हर हाउस ऑन 8/10/1999 एट अबाउट 3:30 PM सुलेमान PW4 टोल्ड हिम दैट ऑन 9/10/1999 एट अबाउट 6 AM ही हैड सीन हसीन स्टैंडिंग अलोंग विद एक्यूज्ड वन जाबिर एंड एक्यूज्ड टू जाकिर ऑन द रोड नियर याकूब्स शुगर केन फील्ड स्टॉप ही इमीडिएटली वेंट टू PS मंगलोर टू लॉज द रिपोर्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12/10/1999 बट हिज रिपोर्ट वॉज नॉट रिकॉर्डेड स्टॉप ही देन मेट SP हरिद्वार ऑन द सेम डे बट पुलिस डिड नॉट इंट्रोगेट हिम और हिज विटनेसेज नॉट टेक एनी एक्शन अगेन द एक्यूज पर्सन स्टॉप बेस्ड ऑन दीज एलिगेशन द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द इंसिडेंट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स अरेस्टेड द एक्यूज अपीलेंट्स स्टॉपरा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वर कंप्लीटेड द पुलिस इन दियर फाइनल रिपोर्ट एलेज्ड दैट द अपीलेंट्स वर गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेज स्टॉप चार्जेज वर फ्रेम्ड अगेंस्ट देम बाई द कोर्ट स्टॉप द प्रोसिक्यूशन टू establish its allegations, relied on the testimony of 12 witnesses, stop. The defense did not examine any witness, stop. Based on the materials placed before it, the trial court convicted the appellants, who then appealed to the high court, stop. The impugned judgment affirmed the trial court's findings, stop. It is argued, on behalf of the appellants, that the conviction and sentence imposed in this case, is unsustainable, stop. It was argued that no reason was given why the FIR was lodged.
almost 5 weeks after the deceased boy went missing and after his body was found on 10-10-1999. Stop. The complainant stated that on 10-10-1999, he was told by the witnesses that on 8-10-1999, the third appellant, accused Hasan Jahan was seen taking the child inside her house. And on 9-10-1999 at 6 a.m., the child was seen along with accused Jabir and Jakir.